हेलो एवरीवन, कुक विद अनु में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे मटर के बरवा परांठे। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मटर के बरवा परांठे बनाने के लिए हमें इन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। 2 कप आटा, थोड़ा सा पानी, फ्रोजन मटर 1 कप, पुदीना थोड़ा सा, पुदीना थोड़ी सी, कसूरी मेथी 1 टेबल टीस्पून, जीरा थोड़ा सा रिफाइंड, परांठा फ्राई करने के लिए 1 टेबल टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल टीस्पून काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। आइए हम आटा गूंद लेते हैं। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है और एक अच्छा सा स्मूथ सा आटा गूंद लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक अच्छा सा आटा तैयार कर लेंगे। जरूरत के अनुसार हम पानी डालेंगे। एक अच्छा सा आटा तैयार कर ले, स्मूथ सॉफ्ट सा। जब तक आटा सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसको गूंदेंगे। हमारा आटा अब लगभग तैयार होने को है। सॉफ्ट सा स्मूथ सा गूंद लेना है। अब हम इसे 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब हम बैटर तैयार कर लेंगे। ये मटर में हमने पहले ही 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पुदीना, वन टेबल टीस्पून जीरा, 1 टेबल टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल टीस्पून काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हमारा आटा लगभग तैयार हो चुका है। अब हम एक बड़ी सी लोई लेंगे, उसका एक पेड़ा बना लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगा के हाथों से इसको प्रेस करेंगे। अब हम इसे अपने हाथ में फैला के इसको थोड़ी सी कटोरी की शेप देंगे, जिसमें हम इसमें स्टफिंग डालेंगे और इसमें 2 चम्मच हमें स्टफिंग डालेंगे। अब हमें इसे हाथों से प्रेस करके इसको बंद करना है। अच्छी तरह से इसको प्रेस करके एक गोलाई की शेप में दे देना है। हमें अच्छी तरह से बंद कर देना है क्योंकि इससे हमारा परांठा फटेगा नहीं। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। अब हम इसे अपने हाथों से प्रेस करेंगे, जिससे कि हमारी जो मटर की स्टफिंग है वो सभी जगह फैल जाए। अच्छी तरह से फिर से सूखा आटा लगाएंगे और फिर से इसको हाथों से प्रेस करेंगे।
इससे जो हमारी मटर की स्टफिंग है सभी जगह अच्छी तरह से फैल जाएगी। हम फिर से सूखा आटा लगाएंगे। अब इसको बेलन के साथ हल्के हाथों से हम इसको बेलेंगे। हल्के हाथों से हमें ये देखना है कि पराठा फटे ना। देखिए कितना अच्छा बन रहा है पराठा। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलेंगे। हमने तवे को पहले ही आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम पराठा तवे पे डालेंगे। तब तक हम दूसरा पराठा तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक बड़ी सी लोई लेंगे और उसका गोल पेड़ा बना लेंगे। अब हमने इसको सूखे आटे में लपेट लेना है फिर से और फिर से इसको हाथों से प्रेस करना है। हाथों में लेके इसको कटोरी की शेप देनी है। जिसे हमें मटर के 2 चम्मच स्टफिंग डालेंगे इसमें और इसको हाथों से प्रेस करके बंद कर देंगे। अच्छी तरह से बंद कर देना है जिससे हमारा पराठा फटेगा नहीं। अब हम इसे सूखे आटे में डालेंगे और फिर से इसको हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा पराठा नीचे से सिक गया है तो ऊपर से भी दिख जाएगा हमें कि ये सिक गया है। अब हम इसे हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे जिससे कि हमारी जो मटर की स्टफिंग है सभी जगह फैल जाएगी। फिर से सूखा आटा लगाएंगे, फिर से इसको प्रेस करेंगे। अब हम इसको पराठे को ऑयल लगा लेंगे। अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। मैं ऑयल यूज कर रही हूँ, रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, देसी घी, ऑलिव ऑयल, जो आपकी चॉइस हो। हमारा पराठा दूसरी तरफ से भी सिक गया है, बहुत अच्छा कलर आया है इसका। अब हम इधर भी ऑयल लगा लेंगे। हमें इसको प्रेस कर करके गोल गोल घुमाएंगे तो दूसरी तरफ से बहुत अच्छा कलर आएगा। ये खाने में मजेदार, टेस्टी, बहुत अच्छे होते। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे हम। दूसरी तरफ से भी हम इसे पलटा देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हमारा पराठा लगभग तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे, टिश्यू पेपर की प्लेट में निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, पराठे का बहुत अच्छा कलर आया है। तब तक हम दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। इसे भी हम हल्के हाथों से बेलेंगे।
इसे भी तवे पे डालेंगे हम। इसे भी हम ऑयल लगा के इसे भी हम परांठे को दूसरे परांठे को सेक लेंगे दोनों साइड से तेल लगा के। अब हम इसे पलटा देंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका भी। अब हमारा दूसरा परांठा भी तैयार हो गया है, देखिए इसका भी कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। आप किसी भी तरह प्लेटिंग कर सकते हैं। मैंने इसको अचार के साथ सर्व किया है, शाम को चाय के साथ ले सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं। ऐसी और सारी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।